लाइन ऑन है जी। हेलो जी भाई। जी सर, मैं वो संडे के दिन से वेट कर रही थी आपका। अच्छा आमिर भाई बताए होंगे। जी मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, कलमा पढ़ने आई हूँ जी आपके पास। वीडियो अच्छा। देखने से पहले लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक लाखों इंसानों की हिदायत का जरिया बन सकता है। अच्छा, तो गालिबन मुझे आमिर भाई का मैसेज आया था और उस वक्त मैं मसरूफ था, मैं स्ट्रीम पर नहीं आ सकता था, शायद वो आप ही के ताल्लुक से होगा। तो आप मुझसे ही क्यों कलमा पढ़ना चाहती हैं, उस वक्त क्यों नहीं पढ़ा? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस चाहती हूँ आपसे पढ़ना इसलिए। ठीक है। अच्छा, इस्लाम आपने यानी इस्लाम पर आप बिल्कुल मुतमईन हैं, यहाँ तक की जो जर्नी है वो थोड़ा सा बताइए। जी मेरे घर वाले पूरा बहुत रिलीजियस है, फिर मैं पहले नास्तिक ही थी, मतलब हिंदू रिलीजन के ऊपर मैं कुछ मानती नहीं थी। मैं सोचती थी इतने भगवान कैसे हो सकते हैं, इतने मूर्तियां, फिर भगवान तो मतलब मैं ये बिलीव करती थी कि कोई एक सुप्रीम पावर है जो कि पूरा दुनिया बनाया है, ये बस ये बिलीव करती थी। लेकिन मेरी मम्मी पापा पूजा करते थे इतने सारे मूर्तियां सब, मैं सोचती थी इसमें से सही कौन है। तो फिर मैं हिंदू स्क्रिप्चर सब पढ़ी, फिर बाइबल्स भी पढ़ी सब। हिंदू स्क्रिप्चर्स में वेदास में मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, गड़बड़ लगा सब। फिर बाइबल भी पढ़ी, वो भी जीसस को गॉड ही मानते थे, तो फिर मैं गॉड का जो डेफिनेशन है वो तो मैच नहीं किया। फिर इस्लाम के बारे में पढ़ी, कुरान में पढ़ी, फिर मैं इंस्पायर हुई तो फिर मैं कलमा पढ़ना चाहती हूँ। ठीक, कुरान की वो कौन सी आयत है जिसने आपको इंस्पायर किया सबसे ज्यादा? पूरा जो मैं आई थी आमिर भाई के स्ट्रीम में, वो एक भैया थे जो एक सीरीज मुझे बताए थे, जो उमर रजी अल्लाह अन्हु के, तो उनका सीरीज देख के ही मैं बहुत इंस्पायर हुई। तो मैं सोची मतलब अगर सहाबा ऐसे हो सकते हैं तो नबी कैसे हो सकते हैं, तो इनके बारे में सब पढ़ के इंस्पायर हुई मैं। ओके चलें, ठीक है। अच्छा, आप अगर इस्लाम कबूल कर लेंगी तो क्या आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी? एज एन एथिस्ट तो आपको एक्सेप्ट किया, एज ए मुस्लिम आपको एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। अच्छा, तो फिर आप पब्लिकली ये ऐलान करेंगी अपनी फैमिली के सामने कि आप मुसलमान हैं? हाँ, पूछेंगे तो छुपाऊंगी नहीं। ओके ठीक है। अच्छा, इस्लाम कबूल करने के बाद जो इंसान के ऊपर ड्यूटीज होती हैं, नमाज पढ़ना, रोजा रखना वगैरह, इन सब की आपको मुकम्मल मालूमात है? मैं रोजा रख चुकी हूँ, इस महीने रखी थी, पूरा 30 रोजा रखी थी। Good. और मैं पर्दा भी करती हूँ, बस अभी तक मतलब जी अभी नमाज पढ़ना आता नहीं है, थोड़ा बहुत अभी सीख रही हूँ मैं। अच्छा, चले सही है, बेहतर है। तो से एज आई से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहिए। अशहदु अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं गवाही देती हूँ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। माशाल्लाह, आगे और कहिए। मैं ईमान लाई
मैं ईमान लाई अल्लाह पर, अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उनके फरिश्तों पर, उसकी भेजी हुई किताबों पर, उनके भेजे हुए किताबों पर, तमाम रसूलों पर, तमाम रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, आखिरत के दिन पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर। अच्छी और बुरी तकदीर पर। माशा अल्लाह, मुबारक हो, बहुत बहुत अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आपके दिल में ईमान को मजबूती के साथ जमाए रखे और आपके जरिए दूसरे लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाए। आई नो कि ये आपके लिए बहुत इमोशनल मौका है, इसलिए कि ये आपकी जिंदगी का एक नया चैप्टर है। अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी है और अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत दे देता है। इसका जो लाइव मैनिफेस्टेशन है वो खुद आपकी अपनी शख्सियत है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हम सभी के लिए आप दुआ करिए, चूंकि इस वक्त आप सबसे ज्यादा समझ लें कि अल्लाह ताला के करीब हैं, इसलिए कि आपके नामा आमाल में कोई गुनाह नहीं है, सब सिर्फ सवाब ही सवाब है। माशा अल्लाह। मैं तो बस इतना ही सोच, मैं हमेशा यही सोच के रोती हूँ कि अल्लाह को जानने से पहले जो मैंने गुनाह सब किए हैं वो सब लेके मतलब कैसे मुंह दिखाऊंगी, मैं क्या बोलूंगी वहां पे जाके। वो सब खत्म, जो कुछ अल्लाह को जानने से पहले किया है अल्लाह ताला उसका हिसाब नहीं लेगा। एक वाकया सुनाता हूँ, वो वाकया एक सहाबी का है। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने इस्लाम कबूल करने से पहले कुछ अच्छे काम भी किए हैं, तो क्या उन अच्छे कामों का बदला मुझे मिलेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अस्लमता अला मा अस्लफता मिन खैर। इसका मतलब यह है कि ये जो तुम्हें इस्लाम की तौफीक मिली है ना, ये हो सकता है कि उन्हीं अच्छाइयों और भलाइयों की वजह से मिली हो जो तुमने माजी में की है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने जो आपको चुना है उस ऐसे घर में जहां बहुत ज्यादा समझ लें कि हिंदू रिलीजियोसिटी है, वहां से आपको चुना। पहले आपका सफर एथिज्म की तरफ हुआ, वहां से आपका हाथ पकड़कर इधर लेकर आया। तो कोई ना कोई अच्छाई आपके अंदर होगी, कोई कभी किसी राह चलते की मदद कर दी होगी, कोई किसी के साथ काइंडनेस से आप पेश आ गई होंगी। तो ये दरअसल अल्लाह ताला ने उसका आपको एक इनाम इस दुनिया में दे दिया और यहां से उसको उसने सही रास्ते पर आपको लगा दिया। एक और वाकया सुना देता हूं जो भी जो आपसे रिलेट करता है। एक सहाबी है अब्दुल्लाह, एक सहाबी है अमर इब्न अलास रजी अल्लाह अन्हु, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हाजिर हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो जब हाथ बढ़ाया इस्लाम कबूल करने के लिए, बैत करने के लिए, तो एकदम हाथ खींच लिया। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाथ क्यों खींच लिया? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, पहले एक शर्त मैं लगाना चाहता हूं। तो आपने फरमाया कि वो शर्त क्या है? तो उन्होंने कहा कि वो शर्त यह है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, मैंने कोई गुनाह ऐसा नहीं है कि जो मैंने छोड़ दिया हो। तो अब अगर उन गुनाहों के ऊपर मेरी पकड़ अल्लाह को जानने और इस्लाम कबूल करने के बाद भी होनी है, तो फिर इस्लाम कबूल करने का क्या फायदा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि ए अम्र, क्या तुम ये नहीं जानते कि अल इस्लाम यहदी मुमा काना कबला, कि इस्लाम जो कुछ भी उससे पहले एक इंसान करता है, इस्लाम लाने से पहले जो कुछ भी गुनाह करता है, इस्लाम उन सब को खत्म कर देता है। एक नया, एक फ्रेश स्टार्ट है। तो आपको अगर जहन में कभी ये ख्याल आता है कि आपने अल्लाह को जानने से पहले बहुत से गुनाह किए हैं, तो आपके लिए ये बशारत है कि यही ख्याल एक सहाबी के जहन में भी आया था और जो जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को दिया था वही जवाब आपके लिए भी है कि अल इस्लाम यहदीमु मा काना कबला, कि इस्लाम लाने से पहले जो कुछ था वो सब खत्म है, यहां से आज एक नई जिंदगी और एक नया स्टार्ट है। क्या कोई ऐसे गुनाह है जो कभी मतलब माफी मिल ही नहीं सकता? शिर्क के अलावा कोई दूसरा गुनाह नहीं है, हर गुनाह। नहीं मतलब मुझसे आई थिंक सिस्टर ये पूछ रही है कि इस्लाम लाने के बाद कोई ऐसा गुनाह है जिसकी माफी नहीं। सिस्टर, इस्लाम लाने के बाद हर वो गुनाह जिसका ताल्लुक अल्लाह के हुकूक से है वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। मैं ये नहीं पूछ रही। इनका पूछना शायद ये था कि अगर कोई एक्स मतलब मुस्लिम ना रहने, जब मुस्लिम नहीं थे उस टाइम का कोई ऐसा गुनाह है कि इस्लाम लाने के बाद उसकी माफी नहीं मिलती।
जी, मैं वही अर्ज कर रहा था कि हर वो गुनाह जिसका ताल्लुक अल्लाह के हुकूक से, अल्लाह की ज़ात से है, वो सब ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है कि वो चीज़ें जो कि इंसान से मुताल्लिक है, मिसाल के तौर पे किसी का कर्ज़ा लिया है, किसी की जो है वो नुकसान पहुँचाया है, किसी को दुख तकलीफ़ पहुँचाया है, तो उसकी जो है वो इंसान भरपाई कर ले, माफ़ी तलाफ़ी कर ले, तो वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाए। जी तो माफ कीजिएगा, मैं 2-3 मिनट नहीं सुन पाया था। तो गालिबन आसिम भाई हुकूक लिबात के ताल्लुक से बात कर रहे थे, राइट? जी, हाँ ठीक है, सही है। तो मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी इस्लाम कबूल कर रहा है और उसने इस्लाम लाने से पहले किसी का पैसा दबा रखा है, तो भाई इस्लाम लाने से वो खत्म नहीं होगा, वो अपनी जगह है। लेकिन जो गुनाह है इस तरह के खुदा की जात से मुताल्लिक जो गुनाह है, वो सब के सब माफ हो जाते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट है। तो बाकी अब आप अगली जिंदगी को इस्लाम के ऊपर अमल करते हुए गुजारें, जो रोशनी अल्लाह ताला ने आपको दिखाई है कोशिश करें कि वो रोशनी दूसरों तक पहुंचे, और उसके लिए जरूरी है कि आप दीन को समझें, कुरान करीम को अच्छी तरीके से पढ़ें, नमाजों की पाबंदी करें, और आप खुद ही कह रही हैं कि आपने हिजाब शुरू कर दिया, अल्लाह ताला मुबारक करे इस सफर को और आपके दर्जात को बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस आपके नसीब में हो, यही दुआ कर सकते हैं। जी मेरा भाई भी आएगा, अभी वो घर में है, तो वो जब आएगा वो भी कलमा पढ़ेगा आके। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ठीक है बिल्कुल। अगर आप यानी वो अभी अभी आना चाहता है या बाद में किसी वक्त? वो आएगा 1 महीने बाद, मतलब वो अभी घर में है, मैं घर में नहीं हूँ। अच्छा, आप घर में नहीं है, ओके दैट्स फाइन, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसको भी कलमा पढ़ाएंगे जब वो आएगा, और अल्लाह ताला आप दोनों के जरिए दीन का पैगाम आम करे, ठीक है। चलें जी, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाह फीकुम।